एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ को जानता हूँ। काफी पसंद करता हूँ, मेरा मतलब इनके काम को। अभी निहान को जोड़ है। हाँ, और आज 5वीं साल का है, मुझे पता है। कुछ लेंगे सर? मेरा एक काम करो, इसे ले जाओ। एक्सक्यूज मी, कहीं जाना मत, अभी अभी तो हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई है। क्या होगा? इसमें कोई शक ही नहीं है। वरना मैं सबके सामने इस आदमी को मार दूंगा। ओह, कैसे हैं? Nice to meet you. कैसे हैं? हेलो, मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर लेविट, तो ओजान का सरप्राइज कब देख पाएंगे हम? पता नहीं वो कहां गया है। मुझे लगता है कि अब कुछ होने वाला है। ओजान एक कमाल का सरप्राइज देने वाला है, सबको बहुत पसंद आएगा। क्या ओजान का सरप्राइज दुनिया का 8वां अजूबा है? कितना हैंडसम है ये। देख नहीं सकते तुम। सॉरी मैम। चुप रहो। आपकी ड्रेस को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, ठीक है? मैं मॉम को देखकर आती हूँ। वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे अभी पता चला है। किसने बुलाया? किस बेवकूफ ने उसे बुलाया पर? एमिर। क्या वो उसे जानता है? मॉम, वो सरफिरा इंसान मेरे एक्स को जानबूझकर थोड़ी बुलाएगा यहाँ पर। उसे फौरन यहाँ से रफा दफा कर। कैसे करूँ? आप ही बताइए। मुझे नहीं पता, जो भी करना पड़े करो। मैं कुछ नहीं कर सकती, उसकी कंपनी एमिर के साथ बिजनेस कर रही है। क्या क्या बोलूँ, अब तो ऊपर वाला ही बचा। जैसा कि आप देख रही हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता, यहां तक कि आप भी कुछ नहीं कर सकते। कि नहीं होता, ये सब क्या हो रहा है? आपको लगता है मैंने ये सब किया है? मेरी तरफ देखो, आखिर ये सब क्या चल रहा है? अपने आप को संभालो, आज रात कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चल क्या रहा है? ड्रिंक की वजह से थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। आओ तुम्हें कुछ ऐसा दिखाती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। कितना हैंडसम है ना वो, देखा तुमने? डार्लिंग, कहाँ चले गए थे तुम? तुम तो इस पार्टी की जान हो, मुझे अकेला मत छोड़ा करो। मैं भी आती हूँ। तुम काफी शार्प हो और मुझे तुम्हारे आइडियाज बहुत पसंद है। अगर बिजनेस करना है तो शार्प तो रहना ही पड़ेगा सर, अगर नहीं रहेंगे तो लोग आपको बेवकूफ बनाकर चले जाएंगे। सही कहा ना मिस्टर अमीर? आप खुशकिस्मत है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, वरना आप मुझसे इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाते। मैं तो सुबह तक आपसे बिजनेस की बातें कर सकता हूँ। कमाल, मैं तैयार हूँ। वीकेंड पर घर आइए, बाबी के ऊपर बातें करेंगे। अरे, इस बात का मुझे क्यों नहीं पता चला? मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। वीकेंड पर मिस्टर कमाल जोंगल तक जाने वाले थे। आप रिसेप्शन के लिए नहीं रुके ना मिस्टर कमल? हाँ, मैं नहीं रुका था, वैसे अब मैं यहीं हूँ।
पर वीकेंड पर मैं कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे मंजूर नहीं। आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। आप लोगों को मुझे एक्सक्यूज करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा काम है। पर मैं आऊंगी। फिलहाल तो मैं यहीं हूँ, यहाँ किसी मकसद से आया हूँ। सच में? मुझे लगता है मेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे भी। मैं वहां लौट आया जहां से मैं हूँ, और ऐसी जगह दूसरी कोई नहीं होती। जहाँ पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वहां की बात ही कुछ और होती है। जोंगुल तक वैसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम माइन में काम करते हो? हाँ। विल्दान, आओ मैं तुम्हें इनसे मिलाऊं। ये है मिस्टर केविन, मेरी वाइफ विल्दान। आपसे मिलकर खुशी हुई मैम। तो देखो, दूसरे लोग भी तुम्हें मुबारकबाद देना चाहते होंगे, उनसे भी जाकर मिल लो। अब ठीक कह रही हूँ। क्या ये केमाल सोएत्री है? बाद में मिलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है निहान और एमिर की पार्टी में। आज इनकी फिफ्थ वेडिंग एनिवर्सरी है। इस मौके पे मैं अपनी बहन के लिए तोहफा लाया हूँ, पर उसके पहले ये दोनों कपल डांस करेंगे, जिसे देखने के लिए आप सब बेताब हो रहे हैं। क्या कहते हैं, चले जान? रात में ऊपर वाले से एक ही सवाल करता हूं कि क्या मैं इस कमाल की लड़की के काबिल हूं या नहीं।
अच्छा वो ऐसा कहा वरना ये नाराज हो जाती। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं निहान, आपसे मिलके अच्छा लगा। Hi, beautiful. जानता हूं तुम्हें नजरअंदाज किया, सब साथ में झेला है तुमने और मैंने दोनों ने। मैं आ नहीं पाया, बस नहीं आ पाया। शायद मैं ये सब याद नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या मैं पुराने दिनों को याद किए बिना रह सकता हूं। नहीं, तुम चाहे यहां आओ या ना आओ पर पुराने दिनों को नहीं भूल सकते। मिसेस निहान, आप यहां क्या कर रही हैं? खास रात को आपको तो आपके हस्बैंड के साथ होना चाहिए था ना।
मुझसे क्या चाहते हो केमाल? यहाँ तो तुम आई हो, तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? बिजनेस के लिए। जो कह रहे हो उसमें जरा सी भी सच्चाई है? क्या तुम यहां मेरे जवाब जानने आई हो? मैं यहां सुकून के लिए आई हूं। मैं यहां इसलिए आई हूं ताकि मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। तुम मुझसे नफरत करते हो ना? नहीं। तो फिर तुम मुझसे मिलने यहां क्यों आए केमाल? और तुमने हमारे घर पर आना एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ बिजनेस कर रहा हूं। उसका हस्बैंड जिसे तुम प्यार करते हो। अब तुम मेरी निहान नहीं रही, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। अगर ये सच है तो तुम मुझे हमेशा के लिए भूल क्यों नहीं जाते? अगर तुम चाहते हो मैं तुम पर यकीन करूं तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम अतीत में अटक गई हो। तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। याद रखना ये बात, मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता। हमें पुरानी यादों को दफना देना चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में सोचना चाहिए, समझ गई? मुझे पता है तुम मुझे सजा दे रहे हो। काश कि ये काम कर पाता, काश मैं तुम्हारे सामने झूठ बोल सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। इससे कुछ नहीं बदलेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ केमाल। तुम कुछ भी कर लो पर तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या तुम हो पहले जैसी? मिल गया ना तुम्हें जवाब? अब तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकती। बहुत हुआ, जाओ वही जाओ जहां से तुम आई हो। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। हस्बैंड से शिकायत करो। देखो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुमसे तमीज से बात कर सकूं? तुम्हें लगता है कि तुमने ही सब कुछ सहा है ना केमाल? नहीं, क्यों नहीं हुए सुस्त? शायद वो आपसे अलग नहीं होना चाहता। केमाल, मैं तुम्हें देखकर काफी हैरान हो गई। क्यों? हैरान क्यों हो गई? तुम नहीं जाओगे। आपको क्या लगता है बताइए। तुम चाहते हो कि मैं पूछूं पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस ये पूछूंगी कि किस बहाने से रुक रहे हो। कोई बहाना नहीं है, एमिर के साथ कुछ निपटाना है। क्या तुम नाराज हो? नहीं, बस बता रहा हूं और उसके लिए यही रहना होगा। उसे इंचार्ज नहीं बनने दूंगा, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। इस बार सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। उसने अपने पावर का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। जाहिर है तुम बदला लेना चाहते हो। तुमने तो यकीन के साथ कहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब ये सब क्या है केमाल?
मेरी अभी मीटिंग है, मैं शाम में आपको कॉल करता हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। जरा रुको रुको, जरा रुको। वैसे कल तुम उस पार्टी में गए थे ना, तुमने उन्हें उनके खास दिन पर खुश देखा होगा, है कि नहीं? और तुमने निहान के सामने भी काफी नॉर्मल दिखने की कोशिश की होगी। तब तुमने क्या किया? क्या तुमने उसका हाथ लेकर उससे पूछा कि हेलो मिसेस निहान, आप कैसे हैं? इतनी हिम्मत थी तुम्हें? फिर तुमने उसकी आंखों में देखा और फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा? नहीं, मुझे मेरी सच्चाई याद आ गई। बस मुझे याद आया कैसे मैं उन यादों में कैद था और इतने साल कितना दर्द सहा है, पर अब और नहीं सहूंगा और किसी से नहीं भागूंगा। वो लोग मुझसे अब भागेंगे। तो तुम मानते हो कि तुम बदला लेना चाहते हो? मत करो, ऐसा मत करो केमाल, क्योंकि आखिर में दर्द तुम्हें होगा। लैला, इतने सालों में मुझे जितना दर्द सहना था मैं सह चुका हूँ। देखो, तुम्हें निहान का सामना करना पड़ेगा। जब कुछ फील करो उसे जाहिर करो, आपस में बात करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ तुम दोनों को दुख होगा। केमाल, मैंने उससे बात की। कब? कल रात में। क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसे भुला नहीं पाए हो? उसे बताया कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था? तुमने उससे बात तो की, लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोला। अब मुझे जाना चाहिए। अगर सच्चाई से एक दूसरे के जज्बातों को समझोगे नहीं तो तुम अपनी बदले की आग से उन्हें जला दोगे और बर्बाद कर दोगे सब। ऐसा मत करना। हाय, कैसी हो? और बताओ क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है आसमिन। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो मुझसे। वो आमिर के साथ बिजनेस कर रहे हैं और वो पार्टी में भी आया था, बस इतना ही है और कुछ नहीं। क्या इत्तेफाक है? कैसा फील कर रही हो तुम? क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुमने बात की? क्या उससे कुछ कहा? उसने ऐसे बिहेव किया जैसे मैं कोई अनजान हूँ। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी घबराहट की वजह से ये सब हुआ है। तुम कितना डर रही थी, इतना बदलाव। वो तुम्हारी एनिवर्सरी पर आया और इस वीकेंड तुम्हारे घर आने वाला है। हाँ, पर मेरा मेहमान बनकर नहीं। कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब मैं वहाँ नहीं रहूंगी। क्या तुम भाग रही हो? ऐसा नहीं है, पर मैं इन सब चीजों में अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहती।